हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी पीएलआई पॉलिसी की ऑनलाइन आईडी बनाना चाहते हैं, यानी आप अपनी पीएलआई पॉलिसी में ऑनलाइन लेन देन या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी पीएलआई पॉलिसी की ऑनलाइन आईडी बनानी होती है। लेकिन आईडी बनाने से पहले आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और जब आपकी पीएलआई पॉलिसी के साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो जाएगा, तो कैसे आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी की ऑनलाइन आईडी बनानी है, यही आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको लाइव आईडी बना करके दिखाऊंगा ताकि आप भी अपनी पीएलआई पॉलिसी की ऑनलाइन आईडी बना सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सभी डाउट्स यहीं क्लियर हो सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। हम फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हमने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना, टाइप करना है पोस्ट इन्फो, POSTINFO, पोस्ट इन्फो। यह डाक विभाग का आधिकारिक ऐप है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाता है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको ओपन करके इसमें आईडी जनरेट करके दिखाऊंगा। यह इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अलाउ पोस्ट इन्फो टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल्स, हम इसे अलाउ करते चले जाएंगे। और ये देखिए, ये में कुछ टर्म और कंडीशन आएंगी, हमने इनको आई एग्री कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा है सर्विस रिक्वेस्ट, आर्टिकल ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस सर्च, पोस्टेज कैलकुलेटर, इंश्योरेंस पोर्टल, इंटरेस्ट कैलकुलेटर। हमने इंश्योरेंस पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देखिए, जिसमें लिखा हुआ है एजेंट लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, बाय पॉलिसी, प्रीमियम कैलकुलेटर। हमने कस्टमर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही कस्टमर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा लॉगिन में कस्टमर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड है। इसमें नीचे तीन ऑप्शन होंगे, फॉरगेट कस्टमर आईडी, जनरेट कस्टमर आईडी, फॉरगेट पासवर्ड। हमने न्यू आईडी बनानी है तो हमने जनरेट कस्टमर आईडी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कस्टमर आईडी बनाने का ये पेज खुल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है पॉलिसी नंबर। इसमें हम अपना पॉलिसी नंबर डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ पॉलिसी नंबर APS-12345-6-L। आपका ओरिजिनल बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ है वही पॉलिसी नंबर आपने इसमें फिलअप करना है। उसके बाद लिखा हुआ है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड में आपने जितने लाख का पॉलिसी ओपन करा रखा है वो वैल्यू आएगी इसमें। जैसे मैंने भर दिया 1,00,000। थर्ड नंबर पे है इंश्योरेंट फर्स्ट नेम। इसमें आपका पॉलिसी में जो नाम है आपने वो फिलअप कर देना है, सेम टू सेम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट नाम दो, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। आपने इसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड में डेट ऑफ बर्थ दी गई है। उसके बाद जेंडर, जेंडर में आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपने जो अपनी पॉलिसी के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड या लिंक कराया है वो मोबाइल नंबर आपने इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद है ईमेल आईडी, सेम जो आपने ईमेल आईडी लिंक कराई है वो ईमेल आईडी आपने इसमें टाइप करके भर देनी है। उसके बाद प्लीज़ एंटर द लेटर नंबर सोन, इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं लेटर वो आपने सेम टू सेम भरने हैं। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, जो कैपिटल में है कैपिटल में, जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल में भरना है। जैसे आर, छोटा आर है, W75 और छोटा H है, हमने सेम टू सेम फिलअप कर देना है। और पूरा हमने जो डिटेल भरा है उसको एक बार चेक कर लेना है कि हमने जो डिटेल भरी वो सही है क्या। और उसके बाद हमने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, अगर आपकी पॉलिसी के साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं होगा तो कुछ ऐसा मैसेज लिख के आएगा
जिसमें तीन ऑप्शन होंगे, यू हैव एंटर्ड ऑल द डिटेल्स एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार आपने फिलअप नहीं किया है तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद दो नंबर है, यू हैव सबमिटेड द डिटेल ऑफ द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू द पोस्ट ऑफिस, या फिर आपकी पॉलिसी ऑनलाइन नहीं हुई है तो आपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके इसे ऑनलाइन करा लेना है या अपनी ईमेल आईडी आदि लिंक करा लेनी है। फ्रेंड्स, आप पोस्ट इन्फो ऐप के अलावा डायरेक्ट गूगल में इंडिया पोस्ट की साइट पर जा कर के भी न्यू ऑनलाइन आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने गूगल में इंडिया पोस्ट सर्च करना है और जो इंडिया पोस्ट की www.indiapost.gov.in जो गवर्नमेंट साइट है उस पर क्लिक कर लेना है। हमने पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस जो हाथ का निशान है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI की साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें नीचे लिखा हुआ है पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। इसके नीचे लॉगिन सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है पॉलिसी होल्डर न्यू एजेंट रजिस्टर्ड एजेंट। तो इसमें हमने जो पॉलिसी होल्डर है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही लॉगिन सेक्शन खुल जाएगा, इसमें आपको दिखाई देगा कस्टमर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड का। जो इसमें नीचे तीन ऑप्शन हैं, जनरेट कस्टमर आईडी, फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट कस्टमर आईडी। तो हमने न्यू आईडी बनानी है तो हम जनरेट कस्टमर आईडी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही न्यू कस्टमर आईडी बनाने का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए वो सेम टू सेम पेज जो पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन में ओपन हुआ था वही पेज यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। इसमें हमने अपने पॉलिसी बॉन्ड के अनुसार डिटेल फिल कर लेना है। इसमें सबसे ऊपर आएगा पॉलिसी नंबर, जिसमें मैं भर रहा हूँ APS-123457-L। सेकंड में है सम अश्योर्ड जो आपकी पॉलिसी की वैल्यू है, सम अश्योर्ड वैल्यू इसमें भर देनी है। जैसे मैंने भर दिया 1,00,000, जो आपके ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड में जो आपका फर्स्ट नेम है वो भरना है, या आप अपना पूरा नाम भी भर सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, हमने डेट ऑफ बर्थ हमारी चूज कर लेनी है। उसके बाद है सेलेक्ट जेंडर, हमने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल और फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो जो मोबाइल नंबर हमने अपनी पॉलिसी के साथ लिंक कराया है वो इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में जो ईमेल आईडी हमने अपनी पॉलिसी के साथ लिंक करा रखी है वो इसमें फिलअप कर देनी है। उसके बाद है प्लीज़ एंटर द लेटर एज सोन, यानी जो ब्लॉक में जो लेटर दिखाई दे रहे हैं वो नीचे ब्लैंक में हमने सेम टू सेम फिल कर देने हैं। जैसे 6 w small b हमने सेम टू सेम इसमें फिल कर देने हैं ये। और उसके बाद हमने एक बार पूरी डिटेल चेक कर लेनी है कि जो हमने डिटेल दी है वो हमारी पॉलिसी बॉन्ड के अनुसार एकदम सही है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैसेज लिख के आया है, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, द कस्टमर आईडी एंड ए लिंक वुड बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल विद विच द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड, द लिंक इज वैलिड फॉर 74 आवर ओनली फ्रॉम नाउ, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कस्टमर आईडी विल बी एक्टिव आफ्टर 24 आवर्स। जैसे ये मैसेज आए समझो हमारी कस्टमर आईडी बन गई है और इसका हमें मेल आ जाएगा। उस मेल में एक लिंक होगा जो 72 आवर्स के लिए एक्टिवेट होगा अगर उस लिंक पे क्लिक करके हमने पासवर्ड बनाना है। ये देखिए हम अपने जीमेल अकाउंट को खोल के देखते हैं, यहाँ पे मेल आया हुआ है नो रिप्लाई PLI, थैंक यू रजिस्टरिंग विद पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। इस मेल को हमने खोल ओपन कर लेना है। जैसे ही हम मेल ओपन करेंगे तो इसमें हमें एक कस्टमर आईडी और उसके नीचे एक लिंक दिखाई देगा, तो योर कस्टमर आईडी इज, तो ये हमारी कस्टमर आईडी है, इसको हमने एक डायरी में नोट कर लेना है। और ये जो नीचे ब्लू कलर से लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हमने पासवर्ड जनरेट करना है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि यह लिंक 72 घंटे के लिए एक्टिव रहेगा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर हमने पासवर्ड जनरेट कर लेना है। देखिए हम अब इस लिंक को क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो न्यू पासवर्ड जनरेट का पेज खुल जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड।
अब पासवर्ड बनाते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। पासवर्ड मस्ट कॉन्टेन एट लीस्ट 8 to 32 करेक्टर, यानी पासवर्ड 8 से 32 करेक्टर्स का होना चाहिए। नंबर दो, पासवर्ड मस्ट कॉन्टेन अपर केस करेक्टराइज, इसमें एक लेटर कैपिटल ए टू जेड तक मेंशन होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट कॉन्टेन लोअर केस करेक्टर, इसमें स्मॉल ए से जेड तक लेटर होने चाहिए। नंबर चार, पासवर्ड मस्ट कॉन्टेन नंबर्स, यानी 0 से 9 तक इसमें न्यूमेरिकल नंबर भी होने चाहिए। पासवर्ड मस्ट कॉन्टेन स्पेशल करेक्टर, इसमें स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए, जैसे हैज या एट द रेट, ये स्पेशल करेक्टर इसमें ज़रूर होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। जैसे पॉलिसी होल्डर का नाम मनोज है, हम मनोज के नाम से पासवर्ड जनरेट करके दिखाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले कैपिटल एम लिखना है, उसके बाद ए एन ओ जे, और उसके बाद स्पेशल करेक्टर डालना है इसमें। जैसे हम लिख देंगे एट द रेट, आप हैज भी लगा सकते हो या एट द रेट भी लगा सकते हो, इनमें से एक ज़रूर लगाना है। मैंने यहाँ पे एट द रेट लिख दिया है। उसके बाद नंबर्स लिखने हैं 0 to 9, तो 1 2 3 4 5। री एंटर पासवर्ड, इसमें हमने जो ऊपर पासवर्ड दिया है वो सेम टू सेम री एंटर कर देना है। कैपिटल एम ए एन ओ जे एट द रेट 1 2 3 4 5, और ये पासवर्ड एंटर करने के बाद हमने सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे ही हमने सेट पासवर्ड पे क्लिक किया, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यू मे नाउ लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल, यानी हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली बन गया है, अब हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी आईडी बनाई है, अगर हम अभी अपनी ऑनलाइन आईडी में लॉगिन करना चाहेंगे तो इनवैलिड आईडी करके शो हो जाएगा, यानी अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई है। आप सोचोगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, या मैंने गलत आईडी बना दी, या मेरी आईडी बनी नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसी से आप लॉगिन भी हो सकते हो। ये देखिए, अगले दिन मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, ऊपर आईडी डाल दी है, मैंने उसको आईडी को हाइड कर दिया है, क्योंकि वो मेरी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की ऑनलाइन आईडी है, मैं शो नहीं करना चाहता। ये देखिए, मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो यहाँ ऑप्शन खुल के आएगा, माई प्रोफाइल, माई पॉलिसी, पेमेंट्स, सर्विस रिक्वेस्ट, प्रपोजल ट्रैक, टूल्स एंड यूटिलिटीज, यानी इसमें सारे ऑप्शन हैं। पेमेंट करना चाहते तो आप पेमेंट भी अपना प्रीमियम पेड कर सकते हो, पॉलिसी की डिटेल जानना चाहते हो डिटेल देख सकते हो, करंट स्टेटस, सब चीज़ आप अब ऑनलाइन देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपने भी अपनी पॉलिसी की ऑनलाइन आईडी जनरेट कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन आईडी बनाने से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन आईडी बनाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपको ऑनलाइन आईडी बनाने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और आप अपनी पीएलआई की ऑनलाइन आईडी आसानी से बना सकें। फ्रेंड्स, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पीएलआई से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको पीएलआई की सही और बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।